सावन में लड़कियां मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाती हैं शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। काहे उदास बैठल बड़ी रे बाबू? का बताएं बाबूजी, भंडारे में गोलो नहीं खाए तो पूरी ना मिलला, चप्पल चोरी हो गई। इस दुनिया में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ ना, तो वो तू है। तू ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और तेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो तू सबसे पहले मुझे बताएगा, फिर हम दोनों साथ मिलके सॉल्व करेंगे। और भाई तू भी यार मेरा रिचार्ज कर दे। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे मैं ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है। जहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। सुनो, सब्जी में क्या लाना है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी पसंद से लाओगे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ क्या लाना है। ठीक है, 1 kg टमाटर। बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा अपनी पसंद से। का हुआ भाई, का है उदास? अरे यार देखो ना, गांव वाला सब कहता है कि मेरा शक्ल खराब है। ठीक है तो कहता है, कैसा शक्ल लगा उसमें ना कहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहां से आ जाती हैं? तुझे पता जब बारिश आती है तो बिजली क्यों कड़कती है? बता, भगवान टॉर्च चला के देखते हैं कि कहीं से सूखा तो नहीं रह गया। मेरी दुनिया तबाह हो गई है। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में चाय मिली, फूक मार के पी। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। समधी जी आई, समधी जी बैठी बैठी, समधी जी बैठी, समधी जी, समधी जी पानी पियो। अब मंगा ली पानी, मुंह तोल पानी लेके आओ। रहे दे समधी जी, हम पानी उनी ना पिए, हमरा प्यास नहीं लागल। अरे समधी जी चाय पी ली, तनिए चाय पी ली समधी जी। मंगा ली बकरल चाय लेके आओ। रहे दे समधी जी, हम चाय उ ना पिए, हमरा पेट में गैस बनल बा। अरे समधी जी, ना पानी पियब ना चाय पियब, तनिए खाना खा ली समधी जी, काहे से कि बड़ा दूर से आइल बानी। मंगा ली खाना थोड़ा सा। हगल खाना लेके आओ। रहे दे समधी जी, हम खाना उना ना खाई। काहे तुम साथ बानी समधी जी, का हगल मुतली कोनो बात भइल? अरे समधी जी इतना का हुआ भाई, का है उदास? अरे यार देखो ना, गांव वाला सब कहता है कि मेरा शक्ल खराब है। ठीक है तो कहता है, कैसा शक्ल लगा उसमें ना कहे। जत बनी राजा तो हम नहीं हार, तू संभालो अपन घर। हां हां जो हमर बाथरूम तू हग हग के भर देले छई, ससुराल में अपना बाथरूम में हग के भर दिए। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। चल, अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे। तुझे पता जब बारिश आती है तो बिजली क्यों कड़कती है? बता, भगवान टॉर्च चला के देखते हैं कि कहीं से सूखा तो नहीं रह गया। मेरी दुनिया तबाह हो गई है। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ, ज्यादा कुछ सोचना भी मत। काहे उदास बैठल बड़ी रे बाबू? का बताएं बाबूजी, भंडारे में गोलो नहीं खाए तो पूरी ना मिलला, चप्पल चोरी हो गई। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अच्छा आना तो 10 किलो टमाटर लेके आना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहां से आ जाती हैं? जानता है भाई कौन ची बे,
13 महीना से रिसर्च करते करते आज हमको फाइनली पता लगा कि पति और पत्नी का लड़ाई का मेन जड़ कौन है। कौन है? पंडित जी। पंडित जी कैसे बे? वही बेटा फेरा के टाइम में आग में घी डालता है। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में चाय मिली, फूक मार के पी। सुनता कल तोरा घरे पुलिस का हेला आयल रहे रे। अरे मत पूछ। का भेल रहे बताओ ना। एक बार कह दिलक मत पूछ तो काहे पूछता रे। इस दुनिया में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ ना तो वो तू है। तू ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और तेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो तू सबसे पहले मुझे बताएगा, फिर हम दोनों साथ मिलके सोल्व करेंगे। और भाई तू भी यार मेरा रिचार्ज कर दे। चाचा ठाकुर मैं शादी कर रहा हूँ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? सावन में लड़कियाँ मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाती हैं शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दें? आईफोन। आप कहाँ से? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है? यहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। साले मेरे पैसे कब देगा? पैसे कब देगा मेरे? अरे साले ये कोई तरीका है पैसे मांगने का? अच्छा तू सिखा दे। चल मैं सिखाता हूँ तेरे को पैसे कैसे मांगते हैं, ठीक है? यही खड़ा रहे। साले मेरे पैसे कब देगा? ठीक गया। अब तू खड़ा रहे मैं करता हूँ, ठीक है? पैसे मांग। अबे साले मेरे पैसे कब देगा? सुनो सब्जी में क्या लाना है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी पसंद से लाओगे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ क्या लाना है? ठीक है 1 kg टमाटर। बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा अपनी पसंद से। 18 जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, चैन है ही नहीं। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, 50-50 बराबर है। थोड़ा टाइम तो लगेगा मेरे भाई, लेकिन बीड़ी तू भी पिएगा। गूगल, हेलो गूगल, अरे बेरा हो गया क्या? मोबाइल डेटा ऑन कर साले। अरे कुछ भी कह लो मेरे हाथ का लकीर बहुत खास है। तभी तो तोरा जैसा चुतिया तो सामने पास है। काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, उसकी किडनी बेच के आईफोन ले लेता। जब किस्मत पैसे बांट रही थी ना तो मुकेश अंबानी ना मेरा कटोरा लेके भाग गया था। हेलो दोस्तों, फाइनली हम बता देवे के चाहते नहीं कि ई हमर छोट लड़का बा भोसरी वाला, उत्तम नाम रखले बानी, आई पूरा घर गांव में अति कैले बा, का एकरा के हम प्यार से अति उत्तम कह सकता नी। बड़ी बढ़िया नाम बा पापा, रख दो रख दो। दो साला गांव में अति कर पड़ोसी की औलाद। रे साला कैसन बाप बारे रे? सांवर कलर के। राजा भोसड़ी के। अच्छा मान ले तोहर पापा 2 बर्फ किलने आ हमर पापा 1 बर्फ किलने ओकरा बाद अचानक बहुत तेज घाम निकलल, ठीक बा? तो हमर पापा के बर्फ 1 गल गेल। तो तुम ई बताओ
मेरे पापा का एक गला है तो तुम्हारे पापा दो गला है, तुम्हारे पापा दो गला है। हाँ। तुम पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहा नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सात क्लास में। कौन से क्लास में? सात क्लास में। सेवन क्लास में? हाँ। पहाड़ा आता है? हाँ। कब तक? दस तक। नौ का सुनाओ तो? नौ दिन अठारह नहीं याद है बस। मेरा दोस्त गवाह है दोस्तों कि आज तक मैंने कभी शकल देखकर दोस्ती नहीं की। अर्ज किया है ओगो, कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है, आदमी को काम का भड़कावत है। अच्छा चल भाग यहाँ से, ये लीजिए हमको भगावत है। अरे निश्रम सावधान बेमूड। जब तक सूरज चांद रहेगा झाड़ू पोछा ही लड़कियों का काम रहेगा। हाँ तो लेकिन माने के पड़ी, एक नंबर ही झगड़ाहीन बारी थे। हाँ तो लड़ाई मत कइल करा हमरा से, वैसे एक बात बताओ, मान लो कहीं हमरा से तार शादी हो गई तो क्या करबो? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आज के बाद किसी को सलाह नहीं दूंगा। एक दोस्त था उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। हा? मैंने उसको बोला लटका कर, पंखा पलटक गया, मेरा नाम देख के चला गया थाने में, पुलिस पीछा पड़ी। इंग्लिश आती है? हाँ आती तो है, पर पापा अकेले ही पी जाते हैं। हाँ गाइस, मैंने आप लोगों से एक बात और छुपाई थी। मैंने भी, इसने भी छुपाई थी। तो बात यह है गाइस, इसकी सेटिंग मेरी सेटिंग है और इसकी सेटिंग मेरी सेटिंग है। इसका मतलब तू मेरी सेटिंग के साथ छैया छैया और तू मेरी सेटिंग के साथ नैया पैया। चल तो ये बात किसी को मत बताइए। तुम्हारा दोस्त क्या करता है? खाली छोड़ी बटाता है। अबू अबू अम्मी को सांप ने काट लिया। बेटा अभी अम्मी कैसी है? अबू अम्मी घर में और शाम को अस्पताल ले गए। तो गाइस मैं आज आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा मादक, इतना महान आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर रात को मेरी सेटिंग मुझे मिलने के लिए बुलाती है। मम्मी यकीन करो मम्मी, हम लोग सिगरेट कभी नहीं पीते, मम्मी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते, मम्मी यकीन करो मम्मी। अरे यार एक मिनट, लो सूरज आ गया। सूरज मम्मी को बता हम लोग सिगरेट कहाँ पीते हैं? तालाब के पास। नो 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 नो। गुटका गुटका राज मैं थूकेगा नहीं साला। अरे भाई साहब ये एड्रेस बताना। भाई साहब ये एड्रेस, आप यहाँ से सीधे जाओगे? हाँ भाई। सीधे जाकर लेफ्ट ले लेना। ठीक है भाई ठीक है। कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बस शूटिंग खत्म, शूटिंग खत्म। तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये अंग्रेजी बस सीखे में मुश्किल, पिए में कोई मुश्किल ना, बढ़िया चखना रहे तो सड़सड़ा के मार देवी। हेलो। प्यार की एक कहानी। पहले 3 महीने का रिचार्ज करवाओगे फिर सुनूंगी, नहीं तो ब्लॉक मार दूंगी। पता है 2000 का नोट बंद हो गया क्या? 2000 के भी नोट होते हैं क्या? सलाम नाड़ी से काला पड़ा, जी बाला पड़ा।
अच्छा बाबू, फुटबॉल खेल रहे थे तुम लोग? हाँ, हाँ। तो फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो बनोगे, आईपीएल में जाओगे? हाँ। तो रोनाल्डो का कहाँ का प्लेयर है? और है, उसको मोबाइल में देखे हैं, खेलते हैं उसके लिए। अच्छा, तो रोनाल्डो नाम है उसका? हाँ। अच्छा, तो तुम फुटबॉलर रोनाल्डो बनना चाहते हो? हाँ। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। मौसी, चावल लाया? लाए हैं ना बाबू जी। अभी गधे, मैंने कबूतरों को चावल खिलाने के लिए तुझसे एक मुट्ठी चावल लाने को कहा था, और तू मुट्ठी में एक चावल लेके आ गया। दफा हो जा। तो इसका क्या करूं? पका के खा ले। इसका कैसे दूं? क्या बनाऊं, पुलाव की बिरयानी? पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे, और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। कैसे परेशान है यार? मेरी बीवी खो गई। यार मेरी बीवी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीवी कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है। और तेरी कैसी है? मेरी जाए भाड़ में, चल तेरी ढूंढते हैं। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। काम क्या करते हो? वही जो मेरे घर वाले बता दे। क्यों अभी घर जाकर पड़े हो? काम बता का? कलुआ है? का कलुआ? कलुआ को नहीं जानते? नहीं। चौन आदमी कलुआ को नहीं जानता, वो दुनिया को नहीं जानता। काय की बाप क्या, दादा क्या, अम्मा क्या, सब क्या, मुंह काला गई क्या वायु कलुआ? कलुआ 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 कहो करे जा करे दो गलवा। गूगल, मेरा दोस्त का क्या नाम है? चुतिया साला। तो चल चल धन्नो, आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। आदी या धन्नो अपनी इज्जत बचा के भाग गई, अपनी इज्जत का क्या होगा? आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? कर्जा ले रखा है मेरे भाई। भाई तेरी तो शादी होने वाली थी, कैंसिल कैसे हो गई? दहेज में साली को मांग लिया। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। रे सॉलिड बॉडी, जिगर में दम, बच कर रहिए बेटे, यूपी वाले हैं हम। मान जाने बेटे वरना ठोक देंगे तन्ने। अरे तुम मिले या तो जाने ना दूंगा। बेबी, मिसेस गुप्ता का फोन आ रहा है, स्पीकर पे रखो। हेलो जसली। हाँ मिसेस गुप्ता। सुनो ना, मेरे रूम में ना छिपकली आ गई, तो तुम विहान को भेज दोगी मेरी हेल्प के लिए? भेज देती, पर वो ना मार्केट गए हैं सब्जी लेने। बेबी मैं सब्जी लेकर आ गया। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है तो बर्तन धो लेना। ए भैया पानी ला दो, पानी। अरे बिस्लरी मंगा लो यार। बाप दादा जिंदगी भर कुआं का पानी पीन, और तू पीवा बिस्लरी का पानी? गजब बेइज्जती है।
भाई कहाँ जाता रहो? अरे जाता नहीं, एगो शादी में। तनी शादी के पहाड़ा सुनो। शादी एकम शादी, जिंदगी के बर्बादी, शादी दूना दुख, केहू के मिलल ना सुख। शादी तिहाई तिलक, जलिहलस उरोवे बिलख बिलख। शादी चौके मौर, मुड़ी पर चढ़ल भौर। शादी पाँचे परिछावन, मेहरारू बंजली सरावन। शादी छके छूछे, मौगी नहीं पूछे। शादी सते सुसुख के, रोए के पड़ेला घुसुक के। शादी अठे आमदनी, न होई तो बड़े परेशानी। शादी नवे नारी, सब पर पड़ल भारी। शादी दसे दूल्हा, फूकत रह चूल्हा। समझ गेल? अरे अरे भैया, वो नोट मेरा है यार। कैसे मान लूं दे रहा है? अरे यार भैया, वो नोट मेरा है यार, सही में। हाँ अच्छा, चल एक ऐसी चीज बताओ उस नोट की जिससे मैं समझ जाऊँ कि नोट तेरा है। भैया उस पर मेरे दादा की तस्वीर बनी हुई और आंखों पे चश्मा लगा रखा है। रुक चेक करने दे। हाँ ठीक है, ओके पास आओ और थोड़ा पास आओ। हाँ अभी स्माइल करो, अभी कंधे पे हाथ रखो। सबको मैं सुनाऊं ऐसी कोई कहानी नहीं है, सबको मैं सुनाऊं ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैं सिंगल हूँ जनाब, मेरी कोई दीवानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी कान धोने के लिए पानी नहीं है। भाई गिर जाऊंगा यार। भाई संभाल तो लोगे ना? अरे हाँ पक्का संभाल लेंगे। भाई यार डर लग रहा है यार। अरे मर जा यार। गिर जाऊं? हाँ। रेडी? रेडी। वन टू थ्री। दिल करता है तुम्हें प्रपोज करूं, पर मुझे डर लगता है तुम्हें गालियां भी आती होंगी। ओए तू मेरा दोस्त था इसलिए कुछ नहीं बोला, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अरे अभी भाई इतने दिन रुके हो तो और थोड़े दिन रुक जाओ ना। थोड़े दिन मतलब कब देगा? पेमेंट होने के बाद। और पेमेंट कब होगा? जॉब को लगने के बाद। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। तू राणा के सामने बोल सकेगा तूने करण अर्जुन को देखा? अरे राणा क्या मैं काना बाना जनाना दीवाना सबके सामने बोलतू मैं? अरे गर्दन कटे या मुंडी उड़े सच बोलने के वास्ते पीछे नहीं हटतू मैं। करण अर्जुन को देखा मतलब देखा, तो चल हमारे साथ। किधर? गजब का गठबंधन है साहब, बुआ है मायावती, फूफा नहीं है, दीदी है ममता बनर्जी, जीजा नहीं है, भैया है राहुल गांधी, भाभी नहीं है, इनका खुद का गठबंधन तो हुआ नहीं है और चले हैं महागठबंधन बनाने। हम क्यों झूठ बोलेगा प्रशांत भाई? हम तो भाई चुप है। भाई लगता है दोनों की जुबान ऐसे नहीं खुलेगी, मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या है? दूध? दूध? अरे दूध नहीं रे, तो जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या है? वो सलिया। हाँ सलिया, वो भी उसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गर्म कर रहेगा क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिया का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? मगर डालेगा कैसा? सुनो सब्जी में क्या लाना है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी पसंद से लाओगे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ क्या लाना है? ठीक है 1 kg टमाटर। बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा अपनी पसंद से। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में चाय मिली, फूक मार के पी। क्या हुआ भाई, क्या है उदास? अरे यार देखो ना, गांव वाला सब कहता है कि मेरा शक्ल खराब है। ठीक है तो कहता है कसम शक्ल लगा उसमें ना कहे। सीने में एक ही दिल है इसे खराब नहीं करेंगे, और छौरी सा भाव नहीं देती तो क्या हुआ? दारू पी के भौजी से प्यार करेंगे। तुझे पता जब बारिश आती है तो बिजली क्यों कड़कती है? बता भगवान टॉर्च चला के देखते हैं कि कहीं से सूखा तो नहीं रह गया। मेरी दुनिया तबाह हो गई है। गूगल
अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। चाचा ठाकुर, मैं शादी कर रहा हूँ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दें? आईफोन। रोग चाहे जे कहली बाकी रार बहिन नू एक नंबर के ना चंडाली ना सियारी ना होई। तो तोरो बहिन माने तोरो भाई ना एक नंबर के चंडाल और सियार बा। हम तो रोगा बहिन के कहनी हा, तरुआ हमारा भाई के कहे कहनी, हमारा बहिन के कहीं तोरा चलते का हम अपना साली से रिश्ता तोड़नी। आयो मां, कितना 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 पैसा दे रहे तू? हजार। हजार? हां हां, एक बार हंसने का। हां अभी बदनाम हो ही गया हूं तो उसको 5000 दे दे, बोल मेरे को पप्पी करने। अरे क्या बोला तूने? अरे हजार में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। पुष्पा भैया मैं आके किस दे दूं? क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोल दिया, भैया और सैया में फर्क नहीं पता क्या? ए किधर चला है रे पगलियों को? आयो रे मां।